अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे YouTube चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल भी बंद ना करें। आपके लाइक करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। MCX के लेवल वीडियो के लास्ट में है, तो अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। मैं MCX के एक लेवल गोल्ड सिल्वर के लेवल शाम को भी देता हूँ 5 बजे कम्युनिटी पोस्ट में। अगर आपने ज्वाइन बटन दबा रखा है तो आपको शाम को 5 बजे कम्युनिटी पोस्ट में लेवल दिख जाएंगे। शाम को लेवल देखने के लिए ज्वाइन का बटन दबाना जरूरी है। ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो आपको दिख पाएंगे। मैं शाम को 7 बजे भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ अपने इंग्लिश चैनल पे। इंग्लिश चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे मैं डेटा वगैरह अपडेट भी देता हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। गोल्ड 1936 के आसपास चल रहा है। कल एक अच्छा लो बना के वापस से ऊपर आ रहा है गोल्ड। कल लोज बनाए थे गोल्ड ने, लेकिन वापस से ऊपर आ गया गोल्ड। आइए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। आज का गोल्ड का सपोर्ट रहेगा $1920। गोल्ड का रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम 1951। 1951 ही रहेगा गोल्ड का रेजिस्टेंस। गोल्ड का ट्रेंड वीक है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। आज बहुत सारे मेजर डेटा हैं तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एवरेज आवरली अर्निंग आएगी मंथली की, प्रीवियसली आई थी 0.2%। फिर उसके बाद अगस्त की ईयरली अर्निंग आएगी, मतलब अगस्त में लास्ट ईयर और इस ईयर में कितना फर्क है। प्रीवियसली 4.8% आई थी। फिर आएगा नॉन फार्म पेरोल नंबर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं। 1.4 मिलियन आए थे लास्ट टाइम, जो एक्सपेक्टेशन थे 1.2 से लेके 1.4 मिलियन की है। 1.4 मिलियन से ऊपर आए, सॉरी 1.5 मिलियन से ऊपर आए तो गोल्ड में थोड़ा सा एक मंदी आ सकती है। 1.2 मिलियन से नीचे आए तो गोल्ड में तेजी आ सकती है। ये थे अगस्त के। अब ये थे प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल्स। अब आते हैं नॉर्मल नॉन फार्म पेरोल्स पे। अगस्त के मंथली लास्ट जुलाई में आए थे, मतलब पिछले महीने आए थे 1.7 मिलियन। फोरकास्ट है 1.4 से लेके 1.7 मिलियन के आसपास का। अगर 1.4 मिलियन से नीचे आते हैं, सपोज 1.2 या 1 मिलियन के आसपास, तो गोल्ड में तेजी आ सकती है। 1.78 मिलियन से ऊपर आते हैं, या समझिए कि 1.9 या 2 मिलियन, तो गोल्ड में एक मंदी आ सकती है। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट मंथली का। जुलाई में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 10.2% था। फोरकास्ट भी 10 से लेके 9.7 के आसपास का है। 10.2 यानी 10.2 से ऊपर निकलता है, यानी 10.5 आ जाता है या 10.7 आ जाता है तो गोल्ड में जबरदस्त तेजी आ सकती है। 9.5 से नीचे रहता है तो जबरदस्त सेलिंग भी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये फोरकास्ट मैंने आपको बता दिया, एक्सपेक्टेशन भी बता दी और लास्ट वीक लास्ट मंथ का क्या डेटा था वो भी बता दिया। अब चलते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। 2640 के आसपास कल लो बनाया, अभी 3670 के आसपास चल रही है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। एक बात और, जो सारे डेटा आएंगे मोर और लेस 6 बजे तक आ जाएंगे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, तो आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो या आप ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो 6 बजे के आसपास कवर करने की कोशिश कीजिएगा। उसको ज्यादा खींचिएगा मत। 6 बजे के आसपास कोई पोजीशन होल्ड ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सिल्वर का रेजिस्टेंस आज का रहेगा 2730 का। सिल्वर का सपोर्ट है 2640 का। 2640 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो $26 और 25-50 तक जा सकता है। 27-30 से ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो 28
और $29 तक वापस जा सकता है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों के ट्रेंड वीक हैं, तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। बाकी 6 बजे के आसपास हो सकता है ट्रेंड रिवर्स भी हो जाए, वो हम शाम के 7 बजे के वीडियो में कवर करेंगे। क्या क्या डेटा आया, क्या ट्रेंड रहा, 7 बजे मेरा वीडियो देखना मत भूलिएगा मेरे इंग्लिश चैनल पे। इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। कल ऑलमोस्ट $40 चला गया था, आज फिलहाल ऑलमोस्ट $41 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का आज का रेजिस्टेंस है 41.60 का। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का $40.20 का। क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी भी वीक जोन में है, जब तक 41.60 ब्रेक नहीं करता है। 41.60 के ऊपर मार्केट वापस से रिवर्स हो सकता है, वापस से पॉजिटिव हो सकता है 41.60 के ऊपर, बट जब तक 41.60 ब्रेक नहीं कर रहा है तो अवॉइड कीजिए बाइंग करना। अब एमसीएक्स के लेवल देख लेते हैं, उससे पहले एक बार यूरो देखते हैं। यह है यूरो का चार्ट। 18.50 के आसपास चल रहा है, कल 17.80 के आसपास तक गया था और वापस से रिवर्स हो गया। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं इसका क्या है। यूरो का सपोर्ट है 18.20 का। यूरो का रेजिस्टेंस है 1920 का। कल यूरो पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका था जब उसने 18.40 ब्रेक किया। मैंने अपने इंग्लिश वाले चैनल पे ये कवर किया था, तो अगर आपने इंग्लिश चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं मेरा इंग्लिश चैनल का लिंक। अभी फिलहाल एमसीएक्स लेवल देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिल्वर को। एमसीएक्स की सिल्वर चल रही है 64,962 रुपये। सॉरी, ये तो सितंबर वाली का भाव है, दिसंबर वाली चल रही है 67,060 रुपये। आज का सिल्वर का सपोर्ट है 66,700। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 67,930। एमसीएक्स का गोल्ड चल रहा है अक्टूबर वाला 50,891। एमसीएक्स में गोल्ड का सपोर्ट है आज का 50,600। एमसीएक्स में गोल्ड का रेजिस्टेंस है 51,170। क्रूड ऑयल के और नेचुरल गैस के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। शाम को 5 बजे भी एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल डालूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। चलिए अब शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।